आज जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड तुलसी नगर से सभासद प्रत्याशी अजय कुशवाहा से की खास मुलाकात। अजय जी ने कहा कि यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो शासन की तरफ से जो भी स्कीम्स होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक लाभकारी योजनाएं पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में सार्वजनिक शौचालय, वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट्स आदि अनेकों विकास कार्य वार्ड में कार्य करने के लिए शत प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेंगे। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी बनवाने के लिए शत प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही अजय जी ने समस्त वार्ड वासियों से मतदान करने की अपील की है, जिससे वार्ड का चौमुखी विकास कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सुदीप की खास रिपोर्ट। आपको अवगत होगा नगर निकाय इलेक्शन का दौर बन चुका है, आज जानने का प्रयास करेंगे इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर तुलसी नगर में आए हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं अजय कुशवाहा जी। सर, जो आपने तुलसी नगर वार्ड से सभासद पद हेतु प्रत्याशा पेश किए, सर इसके पीछे क्या कारण के मुद्दों को लेकर आपने यहाँ से दावेदारी पेश की? यहाँ की जनता हो, अड्डा तुलसी की जनता, तुलसी नगर की जनता को न्याय बनाने के लिए जिस तरह से यहाँ जल भराव की समस्या है, उबड़ खाबड़ गलियाँ हैं, शौचालय की समस्या है और जो है पूरा वार्ड कभी कभी जलमग्न हो जाता, लोग निकल नहीं पाते, परेशान है। जिस तरह वहाँ बेचारे कठेरिया एक मोहल्ला है वहाँ तो इस तरह की है, उस दिन मैं प्रचार में गया तो पैर जो है उसमें बिल्कुल गंदे पानी में पैर, नालियाँ नहीं हैं और हैं तो बहुत छोटी कद में हैं, वंचित रखने का लोगों ने काम किया, विकास नहीं हुआ। उप सभासद ने बिल्कुल विकास को प्राथमिकता नहीं दी, कुछ निजी लोगों को उन्होंने प्राथमिकता दी, इसका कारण है बागवाड़ में काफ़ी आक्रोश उठ रहा है। जो भी होता है सर, जैसे कि सर आपको अवगत होगा कि 2014 पीएम साहब ने एक संकल्प किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ये सर अपने वार्ड नगर पालिका और भी वार्डों में विजिट किया हूँ, जो वार्ड तुलसी नगर आता है उसमें स्वच्छ भारत मिशन क्या दिखता नहीं है, ग्राउंड लेवल पर फर्क नहीं है क्या सभासद के लोग? अब उनके क्या कारण रहे, वो निजी में उन्होंने अपने ही लोगों में रेवड़ियाँ बांटने का काम किया और वंचित शोषित किसान नौजवान को उन्होंने परेशान करने का काम किया, काम नहीं किया। अब लोग भागते रहे, नगर पालिका भागते रहे, उनसे कहते रहे, वे अपने बता रहे थे कि ऊपर कहते रहे, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मगर विकास बिल्कुल नहीं हुआ। शौचालय, गंदी नालियाँ और जल भराव की समस्या और जो है सड़कें बिल्कुल टूटी टाटी, जिस तरह से जीर्ण शीर्ण, कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ विकास कार्य में बहुत ही घटिया गुणवत्ता का जो है प्रयोग किया गया। इसी क्रम में सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, वार्ड नंबर जो तुलसी नगर आता है वहाँ के जितने भी मतदाता हैं आपको यहाँ से अवसर देते हैं सभासद पद के रूप में, तो सर्वप्रथम आप किन किन विकास कार्यों के द्वारा अपने वार्ड को वार्ड का विकसित या विकास करने का प्रयास करेंगे? ऐसा है जो यहाँ कह चुका जो पूर्व बातें, अगर यहाँ की जनता अड्डा तुलसी नगर वार्ड नंबर 13 अगर मुझे चुनती है और मुझे सारे राइट मिलते हैं, मैं चेयरमैन से सारे विकास कार्य कराने का और माननीय विधायक जो इटावा से हैं उनसे भी कराने का, सारे लोगों से कहेंगी भाई विकास कार्य कराइए भाई, और ये DM इटावा और ये SDM सारे लोगों से मिलकर इन समस्याओं को हल कराने का प्रयास करें। आइए सर इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करूँगा, जैसे कि सर आप इटावा शहर नगर पालिका में या वार्ड हो या नगर पालिका हो सक्रिय रहते हैं, जैसे कि आप जगह रहते हैं समाज सेवा भी करते हैं, सर जो 11 मई को मतदान होना है सभासद पद हेतु और चेयरमैन पद हेतु, यहाँ के जो सर आम जनमानस है जो भी मतदाता है क्या देख कर मतदान करने के मूड में नहीं आ रहे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल विकास के नाम पर यहाँ वोट, जितना मैंने समझ पाया विकास के नाम पर वोट करने के आसार हैं और जो है विकास ही के नाम पर वोट पड़ेगा। और जो है मैं तो सभासद पद का प्रत्याशी हूँ, जाता हूँ अपनी बात करता हूँ, अब जो है जो कुछ होगा, लोग कह रहे थे हम 8 तारीख को निर्णय लेंगे किसके पक्ष में कौन सी मतदान करेंगे। सर इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्ड की मतदाता हैं या जो नगर की जितने मतदाता हैं कोई मैसेज या अपील करना चाहेंगे?
मैसेज ये है कि आपने जिताएं और आशीर्वाद दें। अगर आशीर्वाद आपने दिया तो आपकी जो समस्याएं उनको पूर्ण रूप से हल करने का काम किया जाएगा। निम्न या उच्च स्तर या महाउच्च स्तर प्रदेश स्तर तक आपकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे और आपका बेटा बन के काम करने का काम। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे अजय कुशवाहा जी, वार्ड तुलसी नगर से सभासद।